हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज हम करेंगे पास्ट टेंस कल हमने प्रेजेंट टेंस किया था सो लेट स्टार्ट पास्ट टेंस टेंस द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ़ टाइम विच इज़ फॉर एवर बिजी गैदरिंग मोमेंट्स ऑफ फ्यूचर एंड थ्रोइंग दैम इन टू द डस्टबिन ऑफ पास्ट सो पास्ट के भी फोर पार्ट होते हैं जैसे सिंपल पास्ट पास्ट कॉन्टीन्यूज पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज सिंपल पास्ट में क्या होता है यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन इन पास्ट, जो हमने एक्शन कंप्लीट किए हैं टा पास्ट में इट ऑफन अकर्ज विद एडवर्ब ऑफ टाइम समटाइम्स इट इज़ यूज विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम कुछ टाइम कई बार जब एडवर्ब के बिना भी ये यूज होता है यूज ऑफ पास्ट हैबिट्स आई प्लेड फुटबॉल वैन आई वॉज चाइल्ड एग्जाम्पल होगी। आई प्लेड फुटबॉल फुटबॉल खेलता था वैन आई वॉज अ चाइल्ड यदि मैं बच्चा था ओके okay? सो so, इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट में ओके okay? जैसे शी रोट अ लेटर जैसे हमने उसमें किया था ना प्रजेंट में शी राइट सा लेटर शी इज राइटिंग लेटर इसमें आ जाएगा शी रोट अ लेटर सेकेंड फॉर्म आ जाएगी राइट रोट रिटर्न रोट होती है सेकंड फॉर्म सो नेगेटिव में इसमें डिडेंट आ जाएगा डिडेंट जैसे कोई काम आपने करना है आई डू आई डू दिस वर्क अगर आप पास्ट में करोगे तो आई डिड दिस वर्क इसमें नेगेटिव फॉर्म आ गई तो आई डिडेंट ओके शी डिडेंट राइट लेटर और इंटरोगेटिव में आ जाएगा डिड शी राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में हो तो डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा जैसे डिड शी नॉट राइट अ लेटर नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज टू डोनेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट समाइम इन द पास्ट आई वॉज ड्राइविंग आ कार मैं कार चला रहा सी. पास्ट चला रहा सी ओके okay? इसमें आता है वॉज वर आई वॉज आई आई वई यू दे के साथ वॉज आ जाएगा ही शीट के साथ वो, जैसे मतलब कोई प्लूरल है प्लूरल के साथ वर आ जाएगा सिंगुलर के साथ वाज आ जाएगा शी वॉज राइटिंग अ लेटर अगर दे होता यहाँ तो दे वर दे वर प्लेइंग अ फुटबॉल जैसे बच्चे खेल रहे हैं खेल रहे हैं सी वर प्लेइंग अ फुटबॉल नेगेटिव में आ जाएगा इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जैसे सिंपल पास्ट में पास सेकंड फॉर्म आती है तो uh, पास्ट कॉन्टीन्यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और आई एन जी आएगा साथ में कॉन्टीन्यूज सभी कॉन्टीन्यूज में आई एन जी ही आना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है इसमें वॉज वर्व फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आ जाएगा अगर नेगेटिव uh, है तो नॉट आ जाएगा इंटेरोगेटिव in, uh, है तो वॉज़वर पहले आ जाएगा सो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट ਯੂਜ਼ੂਲੀ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਫ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦੀ ਪਾਸਟ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥੈਟ ਟੂਕ ਪਲੇਸ ਅਰਲੀਅਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਡ ਡੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਡ ਡੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਮ हैड आ गया इसमें पास परफेक्ट में हैड आएगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आता था हैज़ हैव इसमें हैड आ जाएगा और वो आपकी थर्ड फॉर्म आई आएगी परफेक्ट में अगर नेगेटिव हो तो हैड नॉट आ जाएगा इंटरगेटिव हो तो हैड पहले आ जाएगा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज यूज टू डोनेट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू टाइम इन पास्ट जैसे एग्जाम्पल आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर ट्वेंटी डेज मैंने ट्वेंटी डेज के लिए इस स्कूल में इंग्लिश लर्न कर चुका हूँ ठीक है ना? ट्वेंटी डेज के लिए कुछ टाइम पीरियड हैं सिंस बिफोर सिंस फॉर आ जाएगा इसमें ओके जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी इसमें फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी जैसे शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर जैसे शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर पास्ट परफेक्ट भी कर लिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी कर लिया हमने ओके okay? इसमें सिंस फॉर आता है वो, वो इसमें नहीं मेंशन किया है अगर कुछ टाइम पीरियड हो गया तो उसमें जैसे सिंस नाइनटीन थर्टी अगर कोई हमने ईयर uh, बताना है तो उसमें नाइनटीन थर्टी या सब कुछ भी है उसमें सिंस आ जाएगा अगर कुछ डेज बताने हैं हमने वीक्स बताने उसमें फॉर आ जाएगा जैसे इन्होंने लगाया आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर ट्वेंटी डेज सो थैंक यू गाइस लर्न पास्ट टेंस गुड बाई